पब्लिक टीवी आपकी आवाज। This time nearly 2,600 exhibitors have set up their shop here, and we expect more than 4,000 foreign buyers to come. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने अक्टूबर में होने जा रहे ऑटम फेयर के लिए मुरादाबाद के निर्यातक अवधेश अग्रवाल को चेयरमैन बनाया है। ईपीसीएच की ओर से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 14 से 18 अक्टूबर तक इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गुड्स फेयर का आयोजन किया जा रहा है। अवधेश अग्रवाल इस फेयर में ईपीसीएच की ओर से स्वागत समिति के चेयरमैन होंगे। अवधेश अग्रवाल मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि IHGF मेला दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। इसमें 100 से अधिक देशों के बायर्स हिस्सा ले रहे हैं। IHGF का ये 54वां संस्करण होगा। फेयर में मुरादाबाद के करीब 2000 निर्यातक हिस्सा लेंगे। IHGF को विदेशी खरीदारों और सोर्सिंग पेशेवरों के साथ साथ बड़े घरेलू वॉल्यूम खुदरा खरीदारों के लिए एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि अवधेश अग्रवाल पिछले करीब 25 वर्षों से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वो खुद ही एक्सपोर्ट कंपनी चलाते हैं। पिछले करीब 4 वर्षों से अवधेश अग्रवाल इंडस्ट्री की राजनीति में सक्रिय हैं। इसी दौरान वे मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव बने हैं। निर्यातकों की समस्याओं को वे प्रमुखता से भी उठाते हैं। ईपीसीएच की प्रशासन समिति के सदस्य होने के साथ साथ यूपी में कारीगरों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। चेयरमैन नामित होने के बाद अवधेश अग्रवाल ने बताया कि 5 दिवसीय मेले में देश भर के हस्तशिल्प निर्यातकों के स्थायी मार्ट सहित 3,000 लोगों को एक छत के नीचे घर, जीवन शैली, फैशन, वस्त्र और फर्नीचर उत्पादों को लाया जाता है। ये मेला अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन है। इस बार के संस्करण में 2,000 से अधिक नए उत्पादों और 300 से ज्यादा डिजाइनों को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक IHGF दिल्ली फेयर होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा स्थित मार्ट में। उसके लिए हमें निर्विरोध रूप से ईपीसीएच के द्वारा फेयर प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। तो अब आपका क्या प्रयास है जिससे ज्यादा से ज्यादा निर्यातकों को ऑर्डर मिल सके? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि एक तो ये फेयर बहुत अच्छे ढंग से लगनी चाहिए, किसी निर्यातक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यातक इस फेयर में नए आइटम्स लगाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में नए आइटम्स पर ही काम होगा और बायरों की एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान में आ रही है, तो उसका निश्चित रूप से हमारे भारत को फायदा मिलेगा। देखा गया है कि निर्यातकों को ज़्यादातर स्टॉक मिलने में बहुत परेशानी होती है, ऑर्डर्स उनको मिल चुके होते हैं, पीछे उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है, ये सारी चीज़ें। आज भी कुछ निर्यातों के पास ऑर्डर है मगर पिछला पेमेंट उनको अभी तक नहीं मिला। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हर बार ये अपने निर्यातकों को अधिक से अधिक स्टॉल देने का प्रयास करती है। हर बार लगभग 500 से 600 निर्यातक नए बढ़ते हैं। अभी भी हम लोगों ने सभी छोटे बड़े निर्यातकों को पूरी तरीके से फेयर में प्रतिभाग करने के लिए स्टॉल देने की कोशिश की, परंतु 350 लोग अभी स्टॉल से वंचित रह गए, जिनके लिए हमने उनको परमानेंट मार्ट में जगह ऑफर की है कि भाई आप लोग यहाँ आइए और अपना प्रोडक्ट लगाइए। जितनी जगह मार्ट पे है वो सारी एक एक इंच मार्ट यूज़ करता है अपने छोटे बड़े निर्यातकों के। तो EPCH का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। भाई, लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है फेयर की, इस फेयर से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी जगह हमारी बढ़ेगी ताकि कोई भी हमारा निर्यातक वंचित ना हो और सबको स्टॉल मिले। 14 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2022 तक ये फेयर रहेगी। देखिए, इस फेयर में क्योंकि आपको मालूम है कि अभी पेरिस में फेयर हुई थी, वो अपने वर्ष से 50% लगी थी, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। फरवरी माह में जो फेयर फ्रैंकफर्ट में होती है उसमें भी लोगों की भागीदारी बहुत कम होने जा रही है, तो पूरी दुनिया की निगाहें
इस IHGF फेयर के ऊपर लगी हुई है। पूरी दुनिया के बायर्स आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी किसी होटल में जगह नहीं है, तो ये शुभ संकेत है और हमें ये आशा है कि इस फेयर से हमारे निर्यातकों को बहुत बड़ा काम मिलेगा और भारत का निर्यात कई गुना बढ़ेगा।